हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्यूचर में आने वाली 5 इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और कठिन से कठिन कामों को इजी में कर आउटपुट प्रदान करेगा। और इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हम लोगों को मिल पाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नंबर 5, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आपने जरूर सुना होगा और सुना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर फ्यूचर के कंप्यूटर माना जाता है। आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अहम अंग है। पर्सनल कंप्यूटर से कैसे अलग है क्वांटम कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटेशन के आधार पर काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर। प्रोसेस के लिए बिट का यूज होता है, जिसमें डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में रखा जाता है। बाइनरी नंबर का प्रयोग मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड में लिखी जाती है, जिसके केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर यूनिट बाइनरी संकेतों अर्थात 0 और 1 को ही समझता है। और कंप्यूटर का सर्किट यानी परिपथ इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे इलेक्ट्रिक सिंबल में परिवर्तित कर लेता है। इसमें 0 का मतलब ऑफ होता है एंड 1 का मतलब ऑन होता है। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर। किसी भी का सबसे स्मॉल यूनिट एटम होता है और एटम नेचुरली रूप से माइक्रो कैलकुलेट की जा सकती है, तभी साइंटिस्ट ने क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण में सोचा। कितना तेज है क्वांटम कंप्यूटर? क्यूबिट एक दूसरे से फिजिकल कनेक्ट नहीं भी होंगे, तभी वह क्वांटम इंटीमेटमेंट या क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 40 क्यूबिक वाले क्वांटम कंप्यूटर की कैलकुलेशन पावर आज की वर्तमान सुपर कंप्यूटर के बराबर होगी और यह आज के सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा तेजी से डाटा कैलकुलेशन कर पाएगा। नंबर 4, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़े आकार के वस्तुओं को छोटे आकार के वस्तुओं में बनाने के लिए किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत उपयोगी एवं लाभदायक होगी। जब से कंप्यूटर बना तब से साइज स्मॉल होता गया है और क्षमता बढ़ती गई है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल का चिप जो 10 साल पहले 1 GB का ही होती थी, वही चिप उतनी आकार में आज आपको 1 TB की मिल रही है। तो आपको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले नैनो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कितनी अहम है। आजकल शोधकर्ता नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से अणु के आकार ऐसे नैनो पार्टिकल का विकसित करने में लगे हुए हैं जो शरीर की बीमारी से ग्रस्त सेल तक दवाई पहुंचाने का काम करेगा। नंबर 3, VR इमर्सन यानी वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी किताबों, गेम्स, मूवी तथा टीवी शो के जरिए एक आवाज रची जाती है, जिसे वास्तविक दुनिया से जोड़ने का भरसक प्रयास किया जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस आभासी दुनिया को वर्चुअल रियलिटी के नाम से जाना जाता है। 3D ग्राफिक तथा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से रियलिटी एनवायरनमेंट रेडी किया जाता है, जिसे वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट की मदद से अनुभव कराया जाता है। इस डिवाइस का यूज हमारे फेस के दोनों आंखों के बीच लगाते हैं और किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम दूसरे के पास वीडियो कॉल करने में सक्षम होते हैं और उसके फोटो या नाम के ऊपर क्लिक करके उसके पास वीडियो कॉल कर पाते हैं, जो उसे हमारे बात होती है, लगता है आमने सामने। इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है या इसके बारे में नहीं पता तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यह टर्म कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो भी रोबोट ऑटोमेटिक मशीन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। अगर सिर्फ इस वर्ड का मतलब हिंदी में समझे तो आर्टिफिशियली का मतलब कृत्रिम
यानी आदमी द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंट का मतलब कि बुद्धिमत्ता यानी सोचने की शक्ति। दोस्तों, मैं जो इंटेलिजेंस पावर होती है जो ह्यूमन के अंदर अपने आप बढ़ती है, कुछ देख कर, कुछ सोच समझ कर और कुछ टच करके। नंबर वन, न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु ऊर्जा का वह ऊर्जा है जिसे नियमित यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन भविष्य के ऊर्जा माना जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।